देखो भाई, और फर्टाइल से ये 100%, बहुत जल्द भाई बच्चे भी निकल आएंगे, मुझे लग रहा है एक आध वीक लगेगा, उससे भी कम। और अभी मैं दोस्तों इस फीमेल के दोनों अंडे, बहुत हाई क्वालिटी का है और ये फीमेल भी भाई बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो आप शॉक करो भाई हमारे घर के ब्लैक मुखी पेयर का, जो भाई सेल के लिए है, और क्योंकि दोस्तों दोनों सेम येलो कलर में आ रहे हैं तो ये भाई बहुत बेहतरीन लगेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के आप सही भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। वैसे दोस्तों जैसे कि आपको पता है, कुछ ही दिन पहले हमारे जो भाई फेंटेल कबूतर हैं उन्होंने अंडे दिए थे और हमारे एक फैंसी पेयर ने अंडे दिए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज अपन अंडों को शिफ्ट कर दें, तो आज की वीडियो में अपन वो करेंगे। और उसी के साथ दोस्तों हमारे लॉफ्ट में एक बहुत अच्छा हमारा खुद का पेयर है जो हम सेल कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और क्यों सेल कर रहे हैं उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है लॉफ्ट के अंदर, वो भी मुझे आपको बताना है। तो अभी दोस्तों देख सकते हो भाई, सुबह का टाइम हो रहा था तो मैंने अभी अपने किसी भी कबूतर को नहीं खोला था। तो सबसे पहले अपन अपने कबूतरों को खोलते हैं, दाना पानी करते हैं, और जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई तो वो सब करेंगे अपन आज की वीडियो में। तो सबसे पहले अपन अपने सभी कबूतरों को खोल लेते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। तो अभी मैंने अपने सारी कबूतरों को खोल दिया है और ये सारे के सारे कबूतर आ गए हैं बाहर। और अभी धूप का टाइम था, एकदम से भाई धूप भी जा चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो धूप कहीं भी नहीं दिख रही है, जबकि भाई अभी बज रहा है लगभग 11:30, क्योंकि 11:30 बजे तो हमारे इधर पूरे में उधर तो धूप आ ही जाती है। और कल या परसों ही मैंने नहलाया था, आपने मिनी ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, मैंने अपने सभी कबूतरों को दोस्तों नहला दिया था, जिसको नहाना था। बच्चे नहीं नहाए थे, बस एक रेड बड़ा वाला जो शिराजी बच्चा है वो नहाया था, बाकी बच्चा कोई भी नहीं नहाया था। और जिन जिन कबूतरों को, बड़े कबूतरों को नहाना था, उन सब ने भी नहा लिया था। तो अभी अपन दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले अपने केजेस वाले कबूतरों को खोल देते हैं। जैसे कि भाई ये फेंटेल कबूतरों का पेयर है इनको, ये तुलसी पेयर है इनको, और भाई ये ग्रे बार पेयर है इनको। आजा, तो दोस्तों ये सब आ चुके हैं बाहर, और इनको हम भाई खोलते नहीं हैं, और उनको भी हम नहीं खोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इनके कांड कितने ख़राब हैं। और उसी के साथ दोस्तों हमारी फेंटेल फीमेल भी आ चुकी है बाहर, देख सकते हो दोनों के दोनों अंडे रखे हैं। और इसने दूसरा अंडा दिया या नहीं दिया ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखो फाइनली दोस्तों हमारे जो ग्रे बार पेयर है इसने भी दोनों अंडे दे दिए हैं। लास्ट वीडियो में भी, मतलब लास्ट वीडियो में सिर्फ एक ही अंडा था, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया ही था, तो फाइनली दोस्तों इसने अब दो अंडे दे दिए हैं। और आज तक दोस्तों, मतलब हमने इससे एक ही बार ऐसा हुआ है कि दो बच्चे लिए हों, तो हम चाहेंगे कि इस बार यार हम इससे फाइनली दो बच्चे लें, क्योंकि हमें ग्रे बार के भाई दो बच्चे देखना है अपने लॉफ्ट के अंदर। और उसी के साथ दोस्तों ये वाले बच्चे पता नहीं बाहर क्यों नहीं आते, कम ही बाहर आते हैं ज़्यादातर, और इनको हाथ से निकालो तो ये बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फेंटेल बच्चे को निकाल के छोड़ देता हूँ बाहर, और ये ब्लू बार बच्चे को भी छोड़ देता हूँ बाहर। इसका रीज़न ये है कि इनके पेरेंट तो खिला रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई ये खुद भी खाने लगें जल्द से जल्द, और इनके पेरेंट भी खिलाएंगे तो इनकी ग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो अभी दोस्तों देख सकते हो सारे के सारे कबूतर अपने आंगन में घूम रहे हैं, और अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी कबूतरों को और बच्चों को सभी को दाना रख देता हूँ, पानी नहीं है भाई उसमें, और वाटर ड्रिंकर भी भर के रख देता हूँ। दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी जो भाई होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके दोनों बच्चे गायब हैं। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, और एक बच्चा तो भाई मुझे दिख गया, मैंने देखा भाई ये क्या हो रहा है, ये जो फीमेल थी ये बच्चे को मार रही थी, मैंने देखा ये किसका बच्चा है, तो भाई बाद में मुझे पता चला ये उन एलमंड मुखी का बच्चा है। रुशान इधर तो आओ एक सेकंड, दाना बाद में रखना, इसको निकालना भाई, मेरा हाथ नहीं जा रहा, इस बच्चे को निकालो पहले। ये तो खुद मार। तो भाई ये रहा हमारा सिल्वर मुखी बच्चा, अभी इसकी भाई काफ़ी ग्रोथ है, और हाँ भाई ये मार रही है ना तो इसके बाल भी जा सकते हैं ऊपर के सर के। तो एक बच्चे को तो रख दिया है, दूसरा बच्चा भाई कहीं गायब है, मतलब देखना इधर उधर नहीं हो। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि वो कहीं भी फंस सकता है केजेस में, तो हम सबसे पहले उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरी नज़र पड़ी कुछ यहाँ पर, और आपको दिख रहा होगा, वो देखो भाई ये कहाँ घुस के बैठा हुआ है ये बच्चा, यहाँ भाई अगर देखते नहीं तो हो सकता है फंसा ही रह जाता। तो अब हमें दोस्तों बहुत मुश्किल लगेगी इसको निकालने में, इस पूरे सेटअप को, इतना भारी है, इसको हटाना पड़ेगा, ये पेटियों को साइड करना पड़ेगा, आराम से निकाल लेना भाई। तो अभी हम इसको निकालते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, तो भाई ने फाइनली इसको निकाल दिया है, और भाई मुझे लग रहा है अपन को ईंट लगाना पड़ेगी, जैसे अपन ने
वो सिल्वर पेयर जो था उसके साइड में लगाई थी, वो देखो अभी भी लगी हुई है जैसे कि आपको दिख रही है। ईंट से क्या होगा दोस्तों, बच्चे आएंगे तो तब भी लेकिन थोड़ा कम आएंगे। वो देखो भाई अब उधर गैप हो गया, तो अभी अपन को अच्छे से इसको जमाना पड़ेगा। तो मैं इसको भाई पहले जमवा देता हूँ। दोस्तों ये आ चुका है हमारे सारे कबूतरों का दाना, तो सबसे पहले हम अपने सभी कबूतरों को दाना रख देते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा वो कौन सा पेयर है भाई जो हम सेल करने वाले हैं, और प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा, विथ प्राइस मैं आपको वो पेयर बताऊंगा क्योंकि वो हमारे घर का पेयर है। तो अभी दोस्तों देख सकते हो हमारे सारे कबूतर खा रहे हैं बढ़िया तरीके से दाना, इस तरफ भी और उस तरफ भी। बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो भी भाई ब्लैक के, तो दोनों बच्चे माशाल्लाह से खुद से खाने लगे हैं। ब्लू बार और फेंटेल है वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा दाना उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों थोड़े टाइम में ये भी खाने लगेंगे जब इनकी आदत हो जाएगी। तो अभी अपन अपने सभी कबूतरों को दाना खाने देते हैं। और दोस्तों मैंने सोचा अपने सेटअप वाले सभी कबूतरों को भी दाना रख दूं, तो एक चीज़ तो है दोस्तों इसमें जितने भी आपको कबूतर दिख रहा है ना, ये ब्लैक लाहौरी हुआ, ये बाजरा मेल हुआ, और जितने भी कबूतर हैं फेंटेल शिराजी और वो पेयर जो है, तो सारे के सारे दोस्तों मुझे सेल करना है। जिसको सिंगल चाहिए मैं सिंगल भी दे दूंगा, जोड़ में चाहिए जोड़ में भी दे दूंगा, जोड़े भी हैं, और कोई कहेगा जोड़ तोड़ के दो तो जोड़ तोड़ के भी दे दूंगा। जो चाहिए दोस्तों मैं आपको वाला कबूतर दे सकता हूँ, वो भी बहुत ही सस्ते में इस लॉफ्ट के अंदर से। तो दोस्तों अभी एक भाई बैड न्यूज़ ये हुई कि परसों से, मतलब परसों शाम को हमारा एक सेटिनेट मेल है वो जोड़ के साथ उड़ गया था उसकी फीमेल के साथ। आपने देखी हमारी बटरफ्लाई सेटिनेट की जोड़, तो दोस्तों फीमेल तो वापस आ गई थी लेकिन मेल वापस नहीं आया था। कल सुबह ज़रूर वो हमारे घर के थोड़े पास उड़ रहा था लेकिन भाई फिर वो दूर चला गया था, तो मैंने सोचा आपको आज की वीडियो में बता दूँ। और जो भाई आसपास रहते हैं शायद उनके इधर उतरे तो आप मुझे मतलब बता सकते हो, मैं आकर ले लूँगा या आप ला कर दे देना, कोई कोई एक ही बात है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ हो गई क्योंकि फीमेल हो चुकी है अकेली, और भाई वो फीमेल किसी से भी दब सकती है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को भाई बता दूं कि हमारा जो बटरफ्लाई का सेटिनेट मेल था जो इस वाले खान में रहता था, मैं आपको बताता हूँ ये जो लक्का पाल रही है इसके ऊपर वाले में, और अपन ने उसके अंडे नीचे भी रखे थे लक्का के, वो जो बच्चे निकले हुए हैं तो मैं आपको बच्चे भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छा ट्विस्ट हुआ है उन बच्चों में, वही मुझे आपको बताना था। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूँ सेल वाला पेयर, तो भाई वो पेयर को पकड़ दो और मैं आपको अपने लॉफ का एक सेल वाला बहुत अच्छा पेयर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा भाई वो पेयर, और आप बोल रहे हो कि भाई ये क्या है, तो भाई ये है हमारे घर का पुराना ब्लैक मुकी का पेयर जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहा है ब्रीडिंग में, और हमेशा इसने अच्छी ब्रीड दी है। और कुछ टाइम पहले जब मेल सूखे में आया था तो फीमेल ने अकेले बच्चा पाला, किसी और से दबी भी नहीं, आपको अच्छे से याद होगा। तो ये पेयर का दोस्तों मेल अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये देख सकते हो इसकी हड्डी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, और भाई इसने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करी है। मतलब काफ़ी मेल ऐसे होते हैं जो भाई इस ये जिसकी जो हालत थी ना, मुझे नहीं लग रहा था ये बच पाएगा, लेकिन फाइनली दोस्तों ये बच गया। तो मैंने सोचा आपको इस केज में रख के एक बार दिखा दूँ इस पेयर को अच्छे से, ताकि आप अच्छे से देख सको। तो ये देखो ये गई फीमेल, ये गया मेल। कांटे के मामले में दोस्तों बहुत अच्छा पेयर है ये देखो, मतलब इनका कांटा भी बहुत हाई क्वालिटी का है, और ये फीमेल भी भाई बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो आप शौक करो भाई हमारे घर के ब्लैक मुखी पेयर का जो भाई सेल के लिए है, और भाई इसको मैं अभी आपको यहाँ रख के दिखाता हूँ यहाँ पर, अरे रुक जा ये देखो दोस्तों, तो ये ब्लैक मुखी पेयर हम सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये पेयर है, और मैंने कहा था आपको प्राइस भी बताऊंगा। तो दोस्तों 1600 रुपये मैंने इसका प्राइस रखा है इस ब्रीडिंग पेयर का, और काफ़ी बार बच्चे लिए हैं हमने इससे, तो ये बहुत अच्छा पेयर है। और इसको बेचने का मेन रीज़न कुछ नहीं है, आपको मैं ये भी बता दूँ, नहीं तो आप सोचो क्यों बेच रहा है। इसका बेचने का बस एक रीज़न ये है कि हम पे सिर्फ एक खान खाली है छोटे कबूतरों का, और बहुत जल्द दोस्तों हमें नए कबूतर लाने हैं और एक बहुत अच्छा पेयर मिल रहा है, तो हमने सोचा ये वाला पेयर हटा के क्यों ना हम भाई वो पेयर लेकर आए। वो जो पेयर है यार वो जब भी आएगा तब मैं आपको इंशाल्लाह बता ही दूंगा। तो बहुत जल्दी नए कबूतर भी आने वाले हैं, इसीलिए मैं सोच रहा था इस पेयर को हटा के अपन वो दूसरा पेयर लाकर अपने लॉफ्ट में उस वाले खान में रखेंगे। तो ये वाला पेयर मुझे आपको बताना था। दोस्तों सारे कबूतरों ने दाना खा लिया है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा हमारा बटरफ्लाई का मेल उड़ गया है, बीचों में थोड़ा सा बीमार हो गया था तो मैंने उसका दूसरा अंडा भी उठा के अपनी लक्का के नीचे रख दिया था। तो हुआ दोस्तों कुछ ऐसा कि भाई उसके जो बच्चे हैं वो बटरफ्लाई सेटिनेट वैसे नहीं आ रहा है जैसे इसके माँ बाप हैं, ये कुछ अलग ही आ रहे हैं। आप बोलोगे कैसे अलग आ रहे हैं, तो दोस्तों ये देखो भाई, मतलब ये बटरफ्लाई सेटिनेट आपने अच्छे से देखा हुआ है, बटरफ्लाई सेटिनेट के
कुछ येलो में बच्चे आ रहे हैं लेकिन वैसे ही जैसे के माँ बाप थे। इसकी तो भाई छोटी भी है, उस वाले का पता नहीं छोटी आएगी नहीं आएगी, छोटा है थोड़ा सा। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि ये जो फीमेल थी बटरफ्लाई की, क्योंकि मेल बीच में बीमार हुआ था, तो इसका जो फैंसी मेल है येल्लो उसने क्रॉस कर दिया हो, या जो इसका मियाँ है लक्का का मुट्टो उसने क्रॉस कर दिया हो क्योंकि वो उससे दबने वाली थी। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई भरोसा नहीं। तो यही चीज़ मुझे आपको बताना थी, मैं खुद हैरान हो गया। पहले मुझे लग रहा था येल्लो सेटिनेट आ रहा है, लेकिन एक भाई ने बोला कि यार इनकी सेटिनेट की चोंच ऐसी नहीं होती। तो आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये सेटिनेट आएंगे या फिर नॉर्मल येल्लो दोबाज में आ सकते हैं। वैसे तो जो भी आएंगे बड़े प्यारे होंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों सेम येल्लो कलर में आ रहे हैं, तो ये भाई बहुत बेहतरीन लगेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ ये चीज़। देखो भाई कितनी शानदार ये चीज़ हुई है, दोनों के दोनों सेम टू सेम येल्लो में आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। और येल्लो शिराजी के भी दोनों बच्चे दोस्तों येल्लो कलर में आ रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और उसी के साथ ये सिल्वर बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, बस ये क्या है थोड़े फुर्तीले हो गए हैं, इधर उधर चले जाते हैं। और इनका बच्चा तो भाई कुछ अलग ही आ रहा है, देख सकते हो ये भी भाई बहुत प्यारा मुखी बनेगा। और इनके बच्चों का वेट रहेगा नहीं, इनके बच्चों का वेट नहीं रहेगा, इनके अंडे अपन को हटाना है जस्ट अभी, इसीलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने सोचा था वीडियो में ही अपन हटाएंगे। तो अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का मेन काम कि फेंटेल के जो अंडे हैं भाई, आ जाओ, फर्टाइल तो थे ही, अपन ने चेक कर लिए थे। तो अभी दोस्तों हमें क्या करना है, फेंटेल के अंडों को उठाना है और रखना है इस पैर के नीचे। एक अंडा रखेंगे दोस्तों, दो अंडे इसलिए नहीं रख रहा है, हम वैसे तो दोनों नहीं रखते, लेकिन आपको मैं मेन रीज़न बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी भाई बोलेंगे ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों हुआ क्या, क्योंकि फेंटेल पैर है नया और भाई फर्स्ट टाइम इसने दो अंडे दिए हैं। हो सकता है नई जगह पे सही से सेट नहीं हो, या दस एक दिन बच्चों को पाले और फिर से अंडे रखवा दे, तो क्या काफ़ी नुकसान होता है, बच्चे लगभग मर जाते हैं और कुछ कुछ की ग्रोथ काफ़ी बुरी होती है। तो ग्रोथ अच्छी हो इसलिए हम सोच रहे हैं एक बच्चा अपन पलवाएंगे अपने फैंसी पैर से और दूसरा बच्चा पलवाएंगे फेंटेल पैर से खुद से ही। तो भाई निकाल दो यार उसको। तो एक अंडे को दोस्तों हम निकालेंगे इनके नीचे से और इसके दोनों अंडे हटाकर इसका एक अंडा रख देंगे। तो भाई उठा लो इसका एक अंडा और मैं इस फीमेल के नीचे से दोनों अंडे हटा देता हूँ, पहले तुम निकाल दो। तो दोस्तों भाई निकाल रहा है फेंटेल के नीचे से एक अंडा, ये देखो भाई, और फर्टाइल थे ये 100%। बहुत जल्द भाई बच्चे भी निकल आएंगे, मुझे लग रहा है एक आध वीक लगेगा, उससे भी कम। और अभी मैं दोस्तों इस फीमेल के दोनों अंडे हटा रहा हूँ, आपके सामने है ये देखो। और भाई रख दिया भाई ने, एक सेकेंड, फेंटेल का अंडा ये रहा भाई। तो थोड़ी देर में भाई ये खुद ही अंदर ले लेगी इस अंडे को, देखना आप लोग, अपन वेट करते हैं इसके अंदर लेने का। ले लो यार, ये देखो दोस्तों, तो इसने धीरे से सरकाया अपनी तरफ, और जैसे ही मैं हट जाऊंगा भाई ये पूरा का पूरा ले लेगी अपने अंदर और फिर ये अच्छे से इंक्यूबेट करेगी। लास्ट टाइम दोस्तों हमने इससे ब्लैक शिराजी के बच्चे पलवाए, ब्लैक नहीं रेड शिराजी के बच्चे पलवाए थे, जो पैर यहाँ पर रहता है, और इस बार हम पलवा रहे हैं इससे फेंटेल का एक बच्चा। लास्ट टाइम तो दो दोस्तों इसने बहुत अच्छे से पाले थे, इस बार उम्मीद है ये एक तो और अच्छे से पालेगी। और भाई जब ये एक और अच्छे से पालेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, तब अपने पास बहुत अच्छी क्वालिटी का फेंटेल पैर है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि भाई बच्चे दोनों अच्छी क्वालिटी में आए और अच्छी से इनकी ग्रोथ हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि दोस्तों मुझे आपको बताना था अपना एक मुखी पैर जो सेल के लिए है, प्राइस के साथ मैंने आपको बता दिया। और भाई अंडों को एक्सचेंज करना था, वो भी मैंने कर दिया। और जो येल्लो बच्चे निकले हैं लक्का के नीचे, वो भी मैंने आपको बता दिया। आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई क्या हो सकता है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।